आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब जी। ये खुदा के खादम है जो कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करते हैं और बहुत ही खूबसूरत बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो जी भाई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस। तो जैसे कि आप प्रोग्राम पावर इन प्रेयर में आए हैं तो आप खुदा के कलाम में से क्या हमें बताएंगे? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, जैसे आपके इल्म में है कि ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम कलाम खुदा में से दुआ की सीखते हैं, दुआ की पावर के तलक से, दुआ की कुव्वत के तलक से, दुआ की अहमियत के तलक से सीखते हैं। तो आज इसी सिलसिले में कलाम खुदा में से मज़मीर की किताब और उसका चौथा जबूर और उसकी नाज़रीन पहली आयत ही पढ़ेंगे। वैसे आप बरकत के लिए इस पूरे चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। पहली आयत में लिखा है कि जब मैं पुकारूँ तो मुझे जवाब दे, जब मैं पुकारूँ तो मुझे जवाब दे, आए मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। गुलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास और खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, अगरचे ये आयत एक है लेकिन मारिया इसमें बुनियादी तौर पर दो बातें बयान की हैं। पहली बात जो है वो है रिक्वेस्ट है खुदावंद से दुआ के सुने जाने के लिए और दूसरा हिस्सा जो है वो है दुआ की सुने जाने के लिए शुक्रगुजारी। आमीन जी। यानी पहले हिस्से में कि जब खुदा का बंदा कहता है जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा, यानी इस हिस्से में खुदा का बंदा खुदा से ये इस्तदा करता है, दुआ करता है कि वो जब भी खुदा के जोर दुआ करे तो खुदा उसकी दुआओं का जवाब दे। मेरे चीज़ों, ये कितनी खूबसूरत बात है। जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, और हमारी आपको याद ही होगा कि मैंने 12 प्रोग्राम में ये कहा है कि बाइबल मुकद्दस हमारे जिंदा खुदावंद खुदा के बारे में ये बताती है, एलोहिम यहोवा खुदा के बारे में, कि वो हमारी दुआओं का सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला जिंदा नहायत ही अच्छा खुदा है, ये कन्फर्म है बात। लेकिन जबूर नवीस ने इसी बात के इनकरेजमेंट के लिए आज हमारी हौसला अफजाई और रहनुमाई की है कि हम कभी कभी इस बात के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद जब मैं दुआ करूं तो तू मेरी दुआ का जवाब देना, खुदावंद तू मुझे शर्मिंदा ना होने देना, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदावंद के मुंतजिर कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो अपने तालबों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। लिहाजा ये बड़ी खूबसूरत बात है मेरे चीज़ों कि जब भी हम दुआ करें तो मैं समझता हूँ कि इस खूबसूरत पैटर्न के मुताबिक इससे पहले कि हम खुदा से दुआ करें, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी मनाजात को, अपनी दरख्वास्तों को खुदा के जू रखें, तो ये भी खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद जब मैं तुझसे दुआ करूं, जब मैं तुझसे इस्तदा करूं, जब मैं अपनी दरख्वास्त तेरे हजूर पेश करूं तो अपने वादा के माफिक मेरी दुआओं को सुनना। क्योंकि एक खुदा का बंदा कहता है मेरी सदाकत के खुदा, जो कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा बरहक और सच्चा है। कलाम खुदा बयान करता है कि हमारा खुदा आदल और मुनसिफ खुदा है। मेरे चीज़ों को हमारी दुआओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला ना अच्छा खुदा है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है मेरी सदाकत के खुदा, यानी वो खुदा जो अपने काम में, अपने कलाम में और अपने जिंदा नाम में सच्चा है, वो कादर है, हर एक बात पर कादर खुदा है। खुदा का कलाम बयान करता है हम भी जब दुआ करें तो खुदा की सदाकत को, इस सच्चाई को, इस मोहब्बत को मारिया थाम कर दुआ करें कि हमारा खुदा यकीनन हमारी दुआओं को सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला नज़र अच्छा खुदा है। दूसरा हिस्सा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी। ये दूसरा हिस्सा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये शुक्रगुजारी का हिस्सा। पहला हिस्सा दाऊद, बुजुर्ग दाऊद की उस जिंदगी से के तजर्बा से तलक रखता है कि जब वो खुदा से इस ईमान के साथ दुआ करता रहा है कि यकीनन खुदा उसकी दुआओं को सुनेगा और जवाब देगा। लेकिन आयत के दूसरे हिस्से में वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी है। खुदा का कलाम यह बयान करता है वो अपने सबका एक्सपीरियंस को देखता है। हमारे यहाँ ये बड़ी खूबसूरत बात होती है, मैं समझता हूँ कि जब कभी आप खुदावंद में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई और बड़ी दरख्वास्त खुदावंद के हुजूर रखते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप गुजरे हुए वक्त में भी कभी कभी नज़र किया करें कि गुजरे वक्त में आपने कौन सी दरख्वास्तें, कौन सी मनाजात खुदा के हुजूर रखी थी और खुदावंद ने उनका जवाब दिया था। तो अगर खुदावंद ने उन दुआओं का जवाब दिया है और आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर खुदा का बंदा आपको ये इनकरेजमेंट देना चाहता है कि फिर खुदावंद आज की दुआ को भी सुनेगा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, और इसी तरह से एक और ज़बूर में नाज़रीन लिखा है कि मैंने खुदावंद से दरख्वास्त की
उसने मेरी दुआ की तरफ कान लगाया और मुझे कुशादगी बख्शी। इसका मतलब खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और तीसरी बात यहाँ पे फिर खुदा का बंदा उसी एक्सपीरियंस की बिना पे बात करता है, वो कहता है मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। कितना खूबसूरत आगाज है इस आयत का और कितना खूबसूरत इख्तिताम है। खुदा का कलाम बेहद करता है कि इस बात से खुदा के बंदा ने शुरू किया है कि खुदा जब मैं तुझे पुकारूं तो अपने वादा के माफिक तू जो सच्चाई का खुदा है, तू जो राह हक और जिंदगी है, तू जो आजकल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनने वाला उनके जवाब देने वाला नहायत अच्छा खुदा है। मैं सबका अपनी तमाम तर दुआओं के लिए मनाजात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने उनको सुना है। और आखिरी बात करता है कि अब भी मुझ पर रहम फरमा और आज के दिन इस वक्त इस मौका इस साल में इस महीने में इस वीक में जो दरख्वास्त मैं अपने खानदान के लिए अपनी शख्सी हालत के लिए या पूरी दुनिया की हालत के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए या किसी भी अगर्ज के लिए अपने बिजनेस के लिए हो सकती है, किसी वबा बीमारी के लिए शफा के लिए हो सकती है, तो खुदावंद आज भी तू मेरी दुआओं को सुनना क्योंकि मेरा ईमान है कि तेरा हाथ छोटा नहीं होगा जो बचा ना सके और तेरा कान भारी नहीं सुन ना सके, बल्कि तू आज कल बल्कि बता की यकसा खुदा है, तू हमेशा दुआओं को सुनने वाला उनका जवाब देने वाला रहता अच्छा खुदा है। इसलिए नाजरीन इसी बात के साथ खत्म करूंगा कि हमें भी बुजुर्ग दोस्त के दुआ के खूबसूरत नमूने को अपनाने की ज़रूरत है और इसके मुताबिक इसी ईमान के साथ दुआ करने की ज़रूरत है कि यकीनन खुदा हमारी दुआ को सुनने वाला उनका जवाब देने वाला नहायत अच्छा खुदा है। खुदा से दुआ है कि इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने हमारे साथ शेयर किया, तो अब वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो जी व्यूअर्स, आज के कलाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। अब वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएं और पारी साहब के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। जी पारी साहब आइए सरों को चुका है दुआ मांगे। खुदावंद कादर मुतलक जिंदा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक महाफ़ज़त के लिए, निगेबानी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौके इस वक्त के लिए तूने हम सबों की जिंदगी में खुदावंद फिर से बख्शा, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, तमाम तरदारान के लिए, मेम्बरान और कोआर्डिनेटर्स के लिए खुदावंद जो रात दिन तेरे कलाम में खुदावंद खुदा लगे रहते हैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए सबके लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। दुआ करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन की हदूद को और वसअत दे ताकि तेरे कलाम को प्यारे खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। प्यारे खुदावंद जिस वक्त जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी जो भी दुआया दरखास्तें हैं तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी हों प्यारे खुदावंद खुदा, उनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करना, हर तरह की दुख तकलीफ वबा बीमारियाँ तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से वसीला से जाती रहे। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ दिगर तमाम तर मसीही इदारों के लिए भी प्यारे खुदावंद, तमाम तर टेलीविजन चैनल्स के लिए भी जो रात दिन तेरे प्रचार में मसरूफ़ हैं, तो सबको बरकत देना और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अगर आप भी बेदिल ना हो, खुदा उनका कलाम डेली पढ़े और खुदा से दुआ मांगे तो खुदा उन भी ज़रूर आपकी दुआओं का जवाब देगा। तो आई होप कि आज के प्रोग्राम के वसीला से, कलाम के वसीला से आप सबने बड़ी ब्लेसिंग हासिल की होगी। तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।